नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान जीके में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जिनके एग्जाम में आने की संभावना बहुत अधिक है। यह सामान्य ज्ञान टेस्ट सीरीज का पार्ट फर्स्ट है। यदि आपको प्रश्नों के उत्तर पता है तो आप वीडियो को पॉज करके अपने उत्तर लगा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को ऑन कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। आइए शुरुआत करते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिशयन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिशयन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, मोरक्को से। यात्री इब्न बतूता आया था मोरक्को से, और किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन के 1885-1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो इस अवधि को कहा जाता है उदारवादी युग। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, बोधान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो बोधान आंदोलन प्रारंभ किया था आचार्य विनोबा भावे ने। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, किस वर्ष राष्ट्रगीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया? तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम सर्वप्रथम गाया गया था 1896 में, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम 1895 उठाई थी बाल गंगाधर तिलक ने, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में नई संसदीय प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में नई संसदीय प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1991 में, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट, संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक होता है सर्वोच्च न्यायालय, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम खनन नीति कब घोषित हुई थी? तो भारत की प्रथम खनन नीति घोषित हुई थी 1951 में, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो उच्च तापमान के मापन हेतु पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनो जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो एनो जनजाति पाई जाती है जापान में, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, जापान। जापान की राजधानी है टोक्यो, यहाँ की करेंसी है जेन, और जापान की संसद की नाम क्या है? तो जापान की संसद का नाम है डैट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो श्रीलंका को पहले जाना जाता था सिलोन के नाम से, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया है? तो सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किया गया है ग्रीक भाषा में, इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर टू, ग्रीक भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वतमाला है? तो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वतमाला है हिमालय, इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है? तो हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है ग्वालियर घराना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ग्वालियर घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोरा किस धार्मिक संप्रदाय की पवित्र पुस्तक है? तो तोरा यहूदियों की पवित्र पुस्तक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है सांख्य दर्शन, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है सांख्य दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सप्तरथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो सप्तरथ मंदिर स्थित है महाबलीपुरम में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? तो भारतीय संविधान में हिंदी को कहा गया है राजभाषा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, भारत में रेडियो का प्रसारण किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारत में रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ था 1923 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1923। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब का मात्रक होता है? तो दाब का मात्रक होता है पास्कल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्ध्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्ध्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा फोटोन, ऑप्शन नंबर 4। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे हम कहते हैं फोटोन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है भारत का महान्यायवादी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन। दोस्तों